मैं सबसे पहले असलम भाई से पूछूंगा, असलम भाई आप कांग्रेस के प्रतिनिधि है, कांग्रेस के बड़े नेता है महाराष्ट्र के मुंबई के, क्या कारण है कि सरकार सीबीआई जांच से हिचक रही है? अगर पूरे देश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, केरल से, सब जगह से मांग आ रही है तो करा दीजिए सीबीआई जांच, कौन सी ऐसी बड़ी बात है? दीपक जी देखिए, आपको थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। आपने मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े बड़े हादसे हुए और इस जितने हादसे हुए आप ही ने उसी को सारी दुनिया को दिखाया अपने न्यूज़ में, तो आपको मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मुंबई पुलिस सक्षम है काम करने के लिए, अभी तो टाइम है, थोड़ा उनको दीजिए, वो लगे हैं और ये जल्द से जल्द आपको इसका तरीका जो है सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं कि मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है, इसके बाद अब सोचा जाएगा कि सीबीआई को सौंपना है या नहीं सौंपना है। ठीक है असलम भाई, आपने पायल को गिरफ्तार कर लिया था, पायल को मैं बहस में जोड़ूंगा। पायल मुझे बताइए कि लॉजिकल लग रही है आपको असलम भाई की बात? असलम भाई एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है मैंने मुंबई अटैक कवर किया, मैंने 7/7 ब्लास्ट कवर किए, मुंबई की हर घटना को मैंने ग्राउंड से कवर किया, लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है तो मेरा भरोसा थोड़ा सा मुंबई पुलिस से उड़ जाता है, क्या क्या मैं गलत सोचता हूँ? जी नहीं, आप एक सही सोच रहे हैं दीपक जी, क्योंकि को मैं जानती नहीं हूँ, मगर असलम जी खाली इतना बता देती हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पायल रोहतगी को अरेस्ट कर सकती है और 30 घंटे के लिए जेल में डाल सकती है क्योंकि उसने एक फेसबुक पे वीडियो बनाया था मोतीलाल नेहरू का, यहाँ पर एक टैलेंटेड सुपरस्टार की मौत होती है एंड पीपल आर ग्रीविंग ओवर इट, और आप एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल करते हैं, यू डोंट इवन फाइल एन एफआईआर, आप कहते हैं कि हम मुंबई पुलिस पर विश्वास करें आफ्टर 45 डेज? बताइए असलम भाई। पायल जी, आप जो कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार का आपको मैं बता दूं, आज भी हमारी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है यहाँ पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब भी कोई ऐसा बड़ा बड़ा कांड हुआ, आपको समझ में मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, कि यहाँ बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर्स हुए, सबसे पहले मुंबई पुलिस ने उसके अंदर उसका अंजाम दिखाया। तो मुंबई पुलिस जो है सारे स्टेट के अंदर महाराष्ट्र पुलिस नंबर वन पे, ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। मैं मानता हूँ अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ पे थोड़ा टाइम जाएगा, आप सबके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, सबको पुलिस बुला रही है। देखिए मैं सब पे सवाल क्यों उठाऊं, मैं भारत में रहती हूँ, कोई इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, दीपक भाई, दीपक भाई, आई हैव बीन गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय आर्टिकल 1 ऑफ द आप उठाइए, आप उठाइए, आपको सवाल उठाने का पूरा राइट है, लेकिन आप इस तरीके से इल्जाम भी लगा सकते हैं। देखिए उनको टाइम दीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा नहीं कि पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर बिहार पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो बिहार का क्या हाल है आप खुद जानती है। आप जब आप टीवी चैनल खोल लें, आप न्यूज नेशन में देख लें, हर सारे चैनल में देख लें, दीपक भाई खुद ही दिखाते हैं कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या हालत है, आप खुद देख लें। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, आप किसी के दबाव में काम नहीं करने वाली है, यहाँ की सरकार भी सक्षम है और मुंबई पुलिस जल्द से जल्द सुशांत सिंह के फैमिली को जो है उनको इंसाफ दिलाने का काम करेगी।